सिद्ध कीजिए कि 7 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। हम 7 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसके विपरीत मान लेते हैं कि 7 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अब यदि हमने इसको परिमेय संख्या मान लिया तो स्पष्ट है कि इसे a बटा b के रूप में लिखा जा सकता है, जहां b शून्य के बराबर नहीं है और a और b सह अभाज्य पूर्णांक संख्याएं हैं। तो 7 अंडर रूट 5 बराबर हो गया a बटे b, यदि 7 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, अर्थात अंडर रूट 5 का मान क्या हो जाएगा, a बटा 7 b के बराबर। तो चूंकि यहां a और b पूर्णांक संख्याएं हैं, इसलिए a बटा 7 b एक परिमेय संख्या होगी। a और b पूर्णांक हैं तो a बटा b परिमेय है, इसलिए a बटा 7 b एक परिमेय संख्या होगी, एक रैशनल नंबर होगा। तो इससे क्या मतलब निकला, इससे अभिप्राय यह है कि अंडर रूट 5 बराबर एक परिमेय संख्या, अर्थात अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। परंतु ये एक विरोधाभासी कथन है, ये गलत कथन है, क्योंकि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होती है। ये कल्पना इसलिए गलत है कि 7 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए हमारी परिकल्पना गलत है कि 7 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, अर्थात 7 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध हो गया कि 7 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमने एक गलत परिकल्पना कर ली है कि 7 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, अर्थात सिद्ध हो गया कि 7 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमने अपरिमेय संख्या है, इसके विपरीत ये मान लिया कि 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय है, हमने इसके विपरीत मान लिया कि ये एक परिमेय संख्या है, अर्थात इसे हम a बटा b के रूप में लिख सकते हैं। तो 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 बराबर हो गया a बटा b, जहां a और b सह अभाज्य पूर्णांक हैं, b शून्य के बराबर नहीं है, क्योंकि हमने मान लिया है कि ये एक परिमेय संख्या है। तो हम क्या प्राप्त करते हैं, हम पक्षांतरण से प्राप्त करते हैं कि 2 अंडर रूट 5 हो गया a बटा b माइनस 3, b लघुत्तम हो गया, ये मान हो गया a माइनस 3b के बराबर। तो 2 अंडर रूट 5 का मान हो गया a माइनस 3b बटा b, अर्थात अंडर रूट 5 हो गया a माइनस 3b बटा 2b। अब क्योंकि a और b पूर्णांक हैं, इसलिए a माइनस 3b बटा 2b एक परिमेय संख्या होगी। देखिए यहां ये स्पष्ट है कि यदि हम पूर्णांक माइनस 3 इंटू पूर्णांक बटे 2 इंटू पूर्णांक का मान ज्ञात करें तो ये एक परिमेय संख्या होती है, ये एक परिमेय संख्या होती है, इसलिए a माइनस 3b बटा 2b एक परिमेय संख्या है, क्योंकि a और b यहाँ पूर्णांक हैं, इंटीजर्स हैं, इसलिए अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। क्योंकि ये हमने यहाँ पर क्या देखा कि अंडर रूट 5 बराबर एक परिमेय संख्या है, ये हमने सिद्ध कर दिया। इससे ये सिद्ध होता है कि ये एक परिमेय संख्या है, तो अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। परंतु ये एक विरोधाभासी कथन है, क्योंकि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होती है। तो हमने जो प्राप्त किया, अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, ये असत्य है, गलत है, क्योंकि हम जानते हैं अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात हमारी कल्पना सही नहीं है कि 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। हमने शुरू में क्या परिकल्पना ली है, हमने मान लिया है कि 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो हमने एक गलत कथन प्राप्त कर लिया, एक असत्य कथन प्राप्त किया कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है।
इसलिए हमारी परिकल्पना सही नहीं है कि 3 + 2 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो इसलिए सिद्ध हुआ कि 3 + 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक इरेशनल नंबर है। दर्शाइए कि अंडर रूट 2 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम इसके विपरीत मान लेते हैं कि अंडर रूट 2 + √5 एक परिमेय संख्या है। हमें यहाँ दर्शाना है कि अंडर रूट 2 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमने इसके विपरीत मान लिया कि ये एक परिमेय संख्या है। अब यदि ये एक परिमेय संख्या है तो इसे a बटा b के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ a और b सह अभाज्य पूर्णांक हैं और b का मान 0 के बराबर नहीं है। तो यदि हमने इसे परिमेय संख्या मान लिया तो अंडर रूट 2 + √5 बराबर होगा a बटा b, b 0 नहीं है अर्थात हर का मान 0 नहीं है, a और b सह अभाज्य पूर्णांक संख्याएं हैं। अर्थात पक्षांतरण से हम प्राप्त करेंगे कि अंडर रूट 5 बराबर हो गया a बटा b माइनस अंडर रूट 2, ये मान हो गया a बटा b माइनस अंडर रूट 2। हमने अंडर रूट 2 को दूसरे पक्ष में ले गए और इसलिए उसका चिन्ह ऋणात्मक हो गया। अब हम दोनों पक्षों में वर्ग करते हैं, तो वर्ग करने से हमें मिलता है अंडर रूट 5 का वर्ग किया लेफ्ट हैंड साइड में तो 5 मिल गया, ये बराबर हो गया a बटा b माइनस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। a माइनस b के होल स्क्वायर के सूत्र से राइट हैंड साइड बन गया a स्क्वायर बटा b स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 इंटू अंडर रूट 2 a बटा b। हमने राइट हैंड साइड में a माइनस b का सूत्र लगाया, पहली संख्या का वर्ग किया तो a स्क्वायर बटा b स्क्वायर हो गया, दूसरी संख्या का वर्ग किया तो प्लस का 2 हो गया, माइनस 2 इंटू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, तो ये मान हो गया 2 अंडर रूट 2 इंटू a बटा b। अर्थात मान क्या हो गया, पक्षांतरण से जब 2 अंडर रूट 2 a बटा b को हमने दूसरे पक्ष में ले गए तो ये हो गया 2 धनात्मक हो गया 2 अंडर रूट 2 इंटू a बटा b, और 5 को जब दूसरे पक्ष में ले आए तो वो माइनस का 3 दे देगा, क्योंकि माइनस का 5 प्लस का 2 माइनस का 3 होता है। तो दूसरा पक्ष क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड हो जाएगा a स्क्वायर बटा b स्क्वायर माइनस 3। b स्क्वायर लघुत्तम हो गया, मान हो गया a स्क्वायर माइनस 3 b स्क्वायर, ये मान क्या हो गया a स्क्वायर माइनस 3 b स्क्वायर बटे b स्क्वायर। अर्थात यहाँ हम देखते हैं कि b दोनों पक्षों में है, b कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर रह जाएगा b। अब a यहाँ से जो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में a है वो वज्रगुणा में नीचे आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा अर्थात राइट हैंड साइड में हर बन जाएगा। तो अंडर रूट 2 का मान हो गया a स्क्वायर माइनस 3 b स्क्वायर बटा 2 ab। क्या हुआ, दोनों पक्ष में b था कैंसिल हो गया, यहाँ b स्क्वायर का स्क्वायर हट गया, a दूसरे पक्ष में आएगा तो वो हर बन जाएगा, 2 दूसरे पक्ष में आएगा वज्रगुणा से तो वो हर बन जाएगा। अंडर रूट 2 बराबर हमने प्राप्त कर लिया a स्क्वायर माइनस 3 b स्क्वायर बटा 2 ab। अब हम देखते हैं कि a और b दोनों पूर्णांक हैं, तो a और b दोनों पूर्णांक हैं तो a स्क्वायर माइनस 3 b स्क्वायर बटे 2 ab एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि a और b पूर्णांक हैं इसलिए a स्क्वायर माइनस 3 b स्क्वायर बटा 2 ab एक परिमेय संख्या होगी। तो ये एक परिमेय संख्या है जो कि रूट 2 बराबर है एक परिमेय संख्या। तो दिस इम्प्लाइज कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है, जबकि हम जानते हैं कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होती है। तो इसलिए ये एक विरोधाभासी कथन है, क्योंकि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होती है, एक इरेशनल नंबर होता है, जबकि हमने क्या प्राप्त कर लिया है कि अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। तो हमारी परिकल्पना जो है वो गलत है, इसलिए हमारी परिकल्पना गलत है कि अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। जो हमने शुरू में कथन लिया है
कि अंडर रूट दो प्लस अंडर रूट पांच एक परिमेय संख्या है जो हमने माना है, ये परिकल्पना गलत है, ये परिकल्पना गलत है। अर्थात सिद्ध हो गया कि अंडर रूट दो प्लस अंडर रूट पांच एक अपरिमेय संख्या है।